100 सुनार की एक लोहार की, आरी को जरूरत है सिर्फ धार की। और आज हमारे साथ फ्रेंचाइजी मौजूद है यूपी और बिहार की। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, रविशंकर की तरफ से टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। देखो, कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ऐसी कोई चीज़ हो जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी में एक निखार आ जाए, ऐसी कोई चीज़ जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए, ऐसी कोई चीज़ जिससे बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को याद करे, लर्न कर पाए। और इसी चीज़ की ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद यूपी और बिहार से कई लोग हैं जो यहाँ पर आए और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट की। और मैं चाहता हूँ कि अब वो एक एक करके यहाँ पर हमारे साथ लोगों के बीच में इस प्रोग्राम के विषय में अपना अनुभव शेयर करें और बताएं कि इस प्रोग्राम को लेकर, इस प्रोग्राम को अब किस तरह से वे अपने प्लेस पर लेकर जाने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं और लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने वाले हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है बिहार से अभिषेक जी, जो अपने फादर साहब के साथ आए, दिनेश जी के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनको इनवाइट करना चाहता हूँ और उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद और अब इस प्रोग्राम को कैसे ही आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। तो मैं बोलना चाहूँगा, सबके पेरेंट्स जो होते हैं, सबके गार्जियन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो सोचते हैं हमारा बेटा, हमारा बाल बच्चा जो है वो सक्सेस करे लाइफ में। लेकिन सबको पता नहीं है किस क्षेत्र में सक्सेस करेगा, स्पोर्ट में जाएगा, जॉब करेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा, क्या करेगा वो पता नहीं है। बल्कि ये सब कुछ हमारे इन हाथ के रेखाओं में ही है। तो यहाँ पे DMIT एक ऐसा चीज़ है जिससे फिंगरप्रिंट से हमारे लक्ष्य की जानकारी होती है कि हमें किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और मैं कुछ चीज़ प्रिपेयर किया हूँ टीम 60 के लिए नाइट में, तो दो लाइन सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। टीम 360 एक राह ऐसा है जिसमें बच्चे आँख बंद करके पढ़ देंगे। टीम 360 एक ऐसा राह है जिसमें बच्चे आँख बंद करके पढ़ देंगे। हमारे ऊपर आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे ऊपर आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम सब मिलकर गाँव क्या, समाज क्या, इस पूरे देश को बदल देंगे। पहले ये सब एक सपना था, पहले ये सब सपना था, अब हकीकत ये सब लगता है। आंख बंद कर पढ़ना जादू होगा शायद, आंख बंद करके पढ़ना जादू होगा शायद, ऐसा मुझको लगता था। अब जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया और बहुत कुछ जाना है, अब जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया बहुत कुछ जाना है, टीम 360 से देश आगे जाएगा, ये बस मैंने, ये हम सब ने माना है। सक्सेस मिलेगी, पूरे होंगे जो आपके सपने हैं, सक्सेस मिलेंगी, पूरे होंगे जो आपके सपने हैं। पहले तो पराए थे टीम 360, अब सब हम फैमिली अपने हैं। एक और है, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, हम अच्छा होने का दिखावा करते हैं। कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, हम अच्छा होने का दिखावा करते हैं। अरे अब तो टीम 360 में आ गए हैं, हम दुनिया बदल देंगे, हम थोड़ी ना किसी से डरते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, ये यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे और रातों रात सीधे कवि हो गए। बहुत अच्छा अभिषेक जी, बहुत अच्छा आपने इस अपने कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखा और लोगों तक मैसेज दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी हमारे साथ दिनेश जी भी है, अभिषेक जी के फादर साहब, जो कि यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इस प्रोग्राम को तय किया, प्रोग्राम करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आने का प्लान बनाया। तो मैं सबसे अभी सभी के सामने दिनेश जी को इन्वाइट करना चाहता हूँ और जानते हैं इनका क्या अनुभव है इस प्रोग्राम को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार और मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ। और मुझे जैसा देखने को मिला कि बच्चे को बहुत सारे बातें रटना पड़ता है और आज शिक्षा व्यवस्था इस रटन पद्धति से मुक्ति की राह पर चलना चाह रही है। ऐसी स्थिति में अचानक मैं एक रोज़ नेट सर्च कर रहा था अच्छे के लिए, इस कोरोना काल में और कोई काम था नहीं, अचानक टीम 60 का एक वीडियो मेरे सामने आया यूट्यूब पर और रातों रात मेरे अंदर से सारी नींद खत्म हो गई। रातों रात डिसीजन लिया कि मैं टीम 60 ज्वाइन करूंगा, फ्रेंचाइजी लाऊंगा अपने यहाँ। लेकिन फरवरी पूरे महीने में परीक्षाओं में इतनी व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं आ सका और आज मार्च के पहले सप्ताह में मैं टीम 60 ज्वाइन किया और यहाँ सारे के सारे टीम 60 के जो मेम्बर्स हैं, सारे के सारे मेरे गुरु हैं, क्योंकि मैंने सबसे शिक्षा ली है और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। धन्यवाद, मैं बस इतनी बात।
इसी कड़ी में हमारे साथ यूपी से मौजूद है विनोद जी, और काफ़ी जोर शोर से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, बहुत ही तरीके से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्टिविटी करवाई, क्योंकि ब्रेन जिम एक्सरसाइज और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ करवाई इन्होंने बहुत खुल के पार्टिसिपेट किया। मैं इनसे भी चाहता हूं कि अपना अपना मैसेज दे लोगों को और अपना एक्सपीरियंस साझा करें इस प्रोग्राम के विषय में, और बताएं कि ये प्रोग्राम कितना यूज़फुल है सारे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, और इस प्रोग्राम को आगे ये किस तरह से लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा पूरी टीम 360 को, और सबसे पहले जो है अंजू जी को जिन्होंने इस टीम 360 से जुड़ने का मौका दिया। और इस टीम 360 जुड़ने के लिए हम लोग पिछले 1.5 साल से आना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। तो नीरज जी ने बोला कि एक बार चल के देखना चाहिए, यहाँ पर अगर ऑफिस में मिले तो जो भी माइंड में जो भी सवाल थे, क्वेश्चन बुटअप हो रहे थे, वो सारे क्लियर हो गए। और पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ ट्रेनिंग का। और जैसे अभी सर ने बोला कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कैसे ये लाभदायक है, फिर यूज़फुल है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि हर किसी पेरेंट्स को इसे अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा सर, स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की। अभी मैं सर के साथ में जो पता रहे हैं नीरज जी, उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा रहा और किस तरह से आगे बढ़ाने वाला है इस प्रोग्राम को। नमस्कार सर, मुझे मैंने देखा रही था यूट्यूब पर, मैंने इनका प्रोग्राम देखा था, तो मुझे जुड़ना था इनके साथ। मुझे वैसे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा, आगे होगा जो जितना बेटर करेंगे। थैंक यू सर, बिल्कुल हमारा साथ है, इस बेटर को बेस्ट बनाना है, बहुत अच्छे से हम करेंगे। अभी साथ में मनोज जी भी है जो कि इनके साथ में है, टीम मेंबर है, इनका क्या अनुभव है इस प्रोग्राम को लेकर, इनसे भी जानते हैं कि ये इस प्रोग्राम के विषय में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, पेशे से वकील हूँ, विनोद जी और नीरज जी के साथ आया हूँ। मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में इन लोगों ने बताया तो मैंने भी आम लोगों की तरह विश्वास नहीं किया, सोचा कोई जादू टोने का खेल है। लेकिन मैं यहाँ आया, 2 दिन की ट्रेनिंग ली, और ये जो जापान की टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ आके पता लगा कि वास्तविकता में हर कोई बच्चा कर सकता है अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई जाए टीम 60 के द्वारा, और जो इनकी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उनके द्वारा दिलवाई जाए, तो हर कोई बच्चा इस प्रोग्राम के द्वारा कर सकता है, और मैं यही कहना चाहूँगा बस। नमस्कार। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात है प्रोग्राम हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, प्रोग्राम पूरे जोर शोर और जुनून के साथ हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जितने भी टीम मेंबर आते हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ और पूरे मनोबल के साथ आते हैं। अभी हमारे साथ कंपनी के टीम मेंबर भी मौजूद है, मैं उनसे भी चाहता हूँ कि उनका क्या अनुभव है इस प्रोग्राम को लेकर, और क्या आने वाली फ्रेंचाइजीज़ को और आई हुई फ्रेंचाइजीज़ को मैसेज देना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर NK शर्मा सर को, और सर से जानते हैं कि क्या ये मैसेज देना चाहते हैं सारी फ्रेंचाइजीज़ को। थैंक यू रवि सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए फ्रेंचाइजी हैं उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने हिम्मत करी और यहां जयपुर पहुंचे और 2 दिन की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से जोश जुनून के साथ ली है, और मैं उनके साथ उनसे उम्मीद करता हूँ कि यही जोश आगे बनाए रखें और प्रॉपर प्लानिंग करके आप इस जो स्पेशल नॉलेज आपने लिया है 2 दिन में उसको अपने एरिया में फैलाएं। लेकिन वहाँ जाने के पहले आपको अपनी पूरी स्टडी करनी चाहिए, पूरा होमवर्क करके अगर आगे इसको बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर मैं ये मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि कोई भी नया काम आप करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। यह एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कैसे अपॉर्चुनिटी इसको बाधाओं को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। एक गांव के अंदर एक छोटा सा घोड़े का बच्चा कुएं में गिर गया, तो बहुत गहरा कुआ था, निकालने के साधन थे नहीं। घोड़े के मालिक ने देखा यार क्या करें, कुछ फ़ायदा नहीं, कुआं भी ऐसा था फालतू था, कोई पानी तो था नहीं उसमें, टूटने के कगार पर था। तो गाँव के लोग इकट्ठे हुए, उसने सबको कहा एक काम करते हैं इस कुएँ को अपना मिट्टी घास फूस भर के इसको ख़त्म करते हैं। बच्चा तो निकलने से रहा,
और उसके तो वैसे भी डेथ होनी ऐसे भी होनी है, तो कम से कम कुएं को भर देते मिट्टी डाल डाल के। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, एक एक पाउडर डालने लग गए। तो जो घोड़े का बच्चा था वो देखे तो आफत वाला काम होगा, तो मैं तो मरूंगा, ये तो ऊपर से डाल रहे हैं। तो उसने हिम्मत करी, जो एक पावड़ा मिट्टी का आता तो पूरा हिने ना के पूरा बॉडी से मिट्टी को हिला हिला के साइड में गिराना चालू किया। इस तरह से जैसे जैसे मिट्टी आती गई कुआं ऊपर आता गया, उसका कुएं के जो सरफेस था वो ऊपर आता गया, और जब लास्ट में एकदम ऊपर आ गया तो कूद के बाहर निकल गया। तो एक तरफ कहाँ तो मरने वाला था, लेकिन उसने उस जो क्राइसिस को उसने अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट किया और बाहर निकल गया। तो मैं फ्रेंचाइजी से भी ये कहना चाहूँगा, कि आपके राह में भी बहुत सारी क्राइसिस आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे उस घोड़े के बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और बाहर निकल गया जिंदा, तो वैसे आपको सारी बाधाओं को पार करना, मेरा ये संदेश आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए, इस स्टोरी के लिए। वाकई में अपॉर्चुनिटीज़ जो रहती है वो समझने की देर रहती है। अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ दीक्षा मैम को, जो काफ़ी टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे सीखी है, जिसको लेकर मैं चाहता हूँ कि वो शेयर करें और सारी फ्रेंचाइजीज़ को मैसेज दे कि इस प्रोग्राम को किस तरह से और अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच रवि सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हमारी फ्रेंचाइजी को सबसे पहले तो एक पंक्ति के जरिए एक मैसेज देना चाहूँगी। वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की, उन्हें परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की, उन्हें परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की। मेरा फ्रेंचाइजी को यही मैसेज है कि जिस तरह मैं इस कंपनी से जुड़ी, मैंने काफ़ी चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, धीरे धीरे मैंने उन चीज़ों को समझा, अच्छे से प्रैक्टिस किया, उस चीज़ों पे एनालिसिस किया, उसके बाद मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं आज ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि आप भी जाइए, कम से कम एक महीने तक प्रैक्टिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जहाँ दिक्कत आएगी हमारी टीम आपके साथ है और हमेशा रहेगी। इसी तरीके से आप भी ट्रेनर बनिए जैसे मैं बनी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। अभी इसी क्रम में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अंजू मैम को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और इनसे भी जानते हैं फ्रेंचाइजीज़ के लिए इनका क्या मैसेज है, और मैम बहुत अच्छे ट्रेनर भी है, तो इनसे इनका क्या अनुभव है इस ट्रेनिंग सेशन का और आने वाली फ्रेंचाइजीज़ को दी हुई ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच रवि सर, साथी में आप सभी को भी नमस्कार, और हमारी आई हुई सभी फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत जो बड़ा डिसीजन था वो तो अभी ले लिया है, लेकिन एक चीज़, एक छोटा सा मैसेज एक बात के ज़रिए मैं बताना चाहूँगी कि आप जो नीरज जी हैं या फिर दिनेश जी हैं, यूपी बिहार से जो फ्रेंचाइजी आई है, उन दोनों को ही ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप अपने आप को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर कीचड़ में गिर जाता है तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है। मतलब ये है कि आप जो है यहाँ से दो दिन की ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, तो अपने आप को इस DMIT मिडबिन के इस फील्ड में इतना परफेक्ट बना लो कि जिस तरह से टीम 360 के सामने कोई नहीं टिक पाता है, किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिखता है, उसी तरह से आप जिस जगह खड़े होते हैं वहाँ पर कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप जो है इस चीज़ पे, सब्जेक्ट पे पूरी प्रॉपर तरीके से कमांड बना लेंगे। हम लोगों ने टूल्स आपको दे दिए हैं, DMIT मिडबिन जो औजार है वो आपको दे दिए हैं, लेकिन इस टूल से आपको स्किल डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी। और स्किल कैसे डेवलप होती है? स्किल डेवलप होती है स्किल प्लस विल के साथ में। इच्छा शक्ति होगी, प्रैक्टिस होगी, तब जाके आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो पाओगे, और जहाँ कहीं पर भी जाओगे अगर नॉलेज कम होगा तो नहीं टिक पाएंगे। क्लियर मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि दो दिन की ट्रेनिंग के बाद में कल ही आप स्कूल में पहुंच जाओ, तो वहां से आपको नेगेटिव रिस्पांस ही आने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर आपको दो मिनट में भांप लेगा कि कितना आप इस सब्जेक्ट पे कमांड करके आए हो। तो आप यहां से जाने के बाद में एक महीने तक कम से कम परफेक्ट जो है रहे इस फील्ड के आने के लिए, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस के बाद में अगर आप इस फील्ड में उतरोगे ना, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो कीमत है वो एक सोने के सिक्के जैसी हो जाएगी। कि DMIT कराना है तो दिनेश जी से ही कराएंगे, DMIT टेस्ट कराना है तो नीरज जी से ही कराएंगे। इस तरह की जो काबिलियत है
वो अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी किसी भी तरह की आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो टीम 360 आपके साथ में है, बस एक कॉल लगाने की देरी है, हमारी पूरी टीम आपके प्लेस पे आ जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए वो आपको सपोर्ट देंगे। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, एक बार फिर से आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, जाइए और अपनी फील्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए लाभान्वित कीजिए। थैंक यू सो मच। अंजू मैम तो बोल ही रही थी टीम 360 के कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा मैम आपकी ये मैसेज या फिर कह सकते हैं कि ये बातें जो बताती है कि वाकई में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक जगह बैठने की नहीं, इसको लगातार अभ्यास में लाने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ और भी टीम मेंबर है, ज़्यादा देर न करते हुए मैं उन सभी को भी इन्वाइट करना चाहूँगा। हमारे साथ मैम है सपना मैम है, जो रेगुलर ट्रेनिंग देते ही रहते हैं, ट्रेनिंग के कह सकते हैं कि ट्रेनिंग देने में धुरंधर है, इनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ और जानते हैं इनका क्या अनुभव है इस प्रोग्राम को लेकर। थैंक यू सो मच रवि सर, जो मौका दिया आपने मुझे बोलने का, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी आईवी फ्रेंचाइजी को और जितने जोश और जुनून के साथ इन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है, उतने ही जोश और जुनून के साथ अपने प्लेस पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। थैंक यू सपना मैम। अभी जो हम हैं इन्वाइट करने वाले हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अंजलि मैम को, और मैम से जानते हैं सारी फ्रेंचाइजीज के लिए क्या मैसेज है और किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे बीच मौजूद आज फ्रेंचाइजी शख्स को भी बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने टीम 360 के साथ जुड़ने का अपना जज्बा उठाया और आज ये टीम 360 के मेंबर बन गए हैं। बहुत ही उत्साह और मनोबल के साथ इन्होंने अपना 2 दिन का सेशन अटेंड किया, अभी अपने प्लेस पे जाने वाले हैं। तो जैसा कि रवि सर ने बताया कि आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैसेज के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं 5 चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि हर एक टीम मेंबर ने आपको जो है अपने मैसेज शेयर करे और मैसेज में यही बात बार बार रिपीट हो रही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपनी यहाँ से जाने के बाद में प्रैक्टिस ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रैक्टिस करें। दूसरा है आपका जो नॉलेज, आपका नॉलेज बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, सामने वाला अगर आपसे पूछे तो उससे कई ज़बरदस्त चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ अपनी आती है कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। चौथी चीज़ आती है रेगुलरिटी, कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, मान लीजिए आज आपने 2 दिन का सेशन अटेंड किया, अपने प्लेस पे गए, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन आप भूल गए, फिर आपने 4th दिन किया, 5वें दिन किया, बीच में गैप दे दिया, रेगुलरिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो शायद आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगेंगे, नेगेटिव थॉट आने लगेंगे, अरे यार ये क्या है, रोज करते हैं क्या है। तो रेगुलरिटी रखोगे और अच्छी मतलब मानसिकता के साथ में जिस काम को करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। 5वीं चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी, विजन। DMIT मिडबेन का इंस्ट्रूमेंट तो आप सभी लोगों ने ले लिया, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो तो शायद आप उस रास्ते से भी भटक जाएंगे। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से जाने के बाद में कितनी स्कूल्स में मेरे को सेमिनार करना है, कितने बच्चों को लाभान्वित करना है, कितने बच्चों की DMIT टेस्ट करना है, कितने बच्चों का मिडब्रेन करना है। ज़्यादा ही नहीं, 5 साल का अपना छोटा सा एक विजन बनाए और विजन के साथ अपने इस काम की शुरुआत करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और एक बार फिर से आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। अपने प्लेस पर जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराएँ, लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। अभी नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा मेंबर मैनेजिंग कमेटी के सदस्य मिस्टर विनीत शर्मा सर को, और सर से भी जानते हैं आई हुई फ्रेंचाइजीज़ के लिए और आने वाली फ्रेंचाइजीज़ के लिए, और कह सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं उन सभी फ्रेंचाइजीज़ के लिए सर का क्या मैसेज है। थैंक यू वेरी मच रवि सर। मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ उससे पहले, जितनी मौजूद हमारे साथ फ्रेंचाइजीज हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं हमारे परिवार में टीम 360 में, इन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा और इनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जैसा कि मुझे मैसेज के लिए कहा गया है तो मैं मैसेज दूँ, उससे पहले मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि हम लोग जब आपको फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग देते हैं तो देने के बाद हम लोग आपको असाइनमेंट के लिए बोलते हैं, उसकी एक डेट दी जाती है कि आपको उस असाइनमेंट के अंदर दी गई जो होमवर्क मान लो एक तरह से, वो होमवर्क आपको कम्प्लीट करना है निर्धारित डेट तक। तो जितने ट्रेनर्स ने आपको बात बताई प्रैक्टिस की वो उसी में सम्मिलित है कि आप अगर असाइनमेंट कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो असाइनमेंट आपको करना ज़रूरी है, ये मेरे साइड से एक मैसेज है। ऐसा क्यों असाइनमेंट की चीज़ रखी गई है उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक बार एक आदमी था और एक तितली थी, तितली आप सब लोग जानते हैं, और कोकुंद होता है, कोकुंद यानी कि जो जिसके अंदर वो छुपी हुई होती है तितली, और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो एक तितली थी जो उस कोकुंद में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, परेशान हो रही थी, निकलने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी उसको कंटिन्यू देख रहा था घूर घूर के कि ये तितली इतनी परेशान होकर बाहर निकल रही है, क्यों ना मैं इसका रास्ता खोल दूँ। भाग के जाता है, एक कैंची लेके आता है और उससे उसको कोकुंद का रास्ता बड़ा कर देता है, और तितली फटाक से बाहर आ जाती है, और बाहर आते ही हैंडीकैप हो जाती है, चिल्लाती है कि तुमने मेरा लाइफ ख़राब कर दिया। आदमी बोलता क्या हुआ, बोला अरे तुमने मेरा लाइफ ख़राब कर दी, मेरा सब कुछ ख़राब कर दिया, जो मैं संघर्ष कर रही थी बाहर आने के लिए, उस संघर्ष में ही तो मेरा उड़ना तय लिखा था। संघर्ष करती बाहर आती, मेरे शरीर में से एक रस निकलता, वो मेरी बॉडी में जाता और मुझे उड़ने के लिए शक्ति मिलती उस रस से। तुमने वो रास्ता काट दिया और मैं तुरंत बाहर आ गई, बाहर आती मैं हैंडीकैप हो गई, मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। जो असाइनमेंट है वो संघर्ष करने के लिए दिया गया है। संघर्ष करोगे तो आप तेज़ी से बाहर आ सकते हैं, निखर के बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से लेकर जाते हैं ट्रेनिंग, और हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ जाने के बाद में जो मतलब होता है कि उसको आले में रख देते हैं, ले जाके ताक पे रख देते हैं स्कैनर को भी, और उसके मिट्टी भी नहीं झाड़ते हैं। तो वो जो असाइनमेंट ही अगर अपन नहीं करेंगे और अपनी प्रैक्टिस नहीं बनेगी तो स्कूल तो बहुत दूर है जाने की बात। जैसा कि सोने का सिक्का बनाने के लिए बात की गई है, उसको किस लिए बताया गया, सोने का सिक्का बनोगे आप तब जो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिए गए हैं वो अपन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता के अपनी बात को विराम दूंगा, जब आप स्कूल में जाते हो या हमारे स्कूल के सेमिनार के आपने वीडियोस देखे होंगे, कल भी मैं देख रहा था एक पर्सन ने वीडियो के नीचे कमेंट लिख रखा था कि ऐसा क्या कारण है कि आप ही लोग स्कूल करते हैं और दूसरी संस्थाएँ नहीं करती हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा, मैंने नंबर डाले नीचे ताकि डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर ले, लेकिन हो सकता है इस क्वेश्चन आप सब लोगों के मन में भी उठता हो कि क्या कारण है यार कि वो लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कौन स्कूल करता है कि नहीं, लेकिन हमारे से जिसने फ्रेंचाइजी ले रखी है वो स्कूल कर पाते हैं कि नहीं, हमारा तो उन पर फोकस है क्योंकि आपने हमें लिए तो हमें आपको ऊपर उठाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम लोग स्कूल जाते हैं, एक भी पर्सन था जो हमारे बोला अरे आपके यार हमने इतने सारे वीडियो देख लिए, आपके सेमिनार देख लिए, सारे सेमिनार एक जैसे होते हैं, जो सेमिनार आपने लाइफ में पहली बार 10-11 साल पहले बोला था वही तो सारे शब्द आज यूज़ कर रहे हैं, वही आपकी भाषा शैली है, वही सेमिनार लेने का तरीका है, वैसे ही आपने आज तक सेमिनार लिए हैं, सारे सेमिनार मैंने आपके देख लिए हैं और मैं स्कूल में जाकर सेमिनार करता हूँ लेकिन एक भी बच्चा नहीं आता, इसका मतलब आपके सेमिनारों में कोई दम नहीं है। लोगों का ऐसा कहना होता है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम जो दम वाली चीज़ है वो YouTube पर क्यों दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पर आके वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये कि स्कूल में जाने के बाद जो आपको मेन चैलेंज आता है वहाँ पर कि कोई भी प्रॉब्लम आई आपको तो हमारे यहाँ से एक सपोर्ट दिया जाता है आपको कि मेन आपकी जो समस्या की जड़ क्या है वो क्या है, उसको ऊपर अगर प्रहार करोगे, उसको अगर ख़त्म करोगे, उस समस्या से दूर होगे और अपने अंदर शार्पनेस बढ़ाओगे। जैसे कि लाइन की शुरुआत ही की कि आरी की धार तेज करो, अगर आप अपने आप को शार्पन दशा अगर आप अपने आप को शार्प कर लेते हो तो आप तेज़ी से काम कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, इस साइड में बैठा है कुत्ता और इधर बैठा है एक शेर, आप एक लाठी पकड़ के कुत्ते के मारो, कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता क्या करता है, तुरंत उसको हाथों से पकड़ लेता है या मुँह में पकड़ता है लाठी को, और शेर के अगर आप लाठी मारते हो तो शेर क्या करता है, आपको निपटा देता है या निपटा देगा। उसका रीज़न क्या है, कुत्ते को ये लग रहा है कि लाठी समस्या की जड़ है तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, शेर को लग रहा है लाठी बांधने वाला जो है ना वो समस्या की जड़ है। तो हमारे को आइडिया लग जाता है कि आपको आपको समस्या की जड़ कौन सी है आपकी, उसको हम लोग पकड़ते हैं। लेकिन हम लोग शेर से तुलना अपनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 10-11 साल हो गया इस फील्ड में तो हमारे को समस्या की जानकारी है पूरी कौन सी समस्या है, इसलिए हमने उसी आधार पर एक सिस्टम बना रखा है कि यहाँ से जाने के बाद असाइनमेंट करो, DMIT करो, फिंगरप्रिंट लो, तभी मजा है। अदरवाइज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, कल रवि सर से बात कर रहा था, एन के सर ने मुझे बताया एक पर्सन सेमिनार के लिए बुला रहे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा ना जगह बता रहा हूँ, एक पर्सन सेमिनार के लिए बुला रहे हैं, तो स्कूल में बात कर लिए सर आप आ जाओ। तो एनके सर ने ऐसे सहज में पूछ लिया, आपको फिंगरप्रिंट लेने आ गए क्या, नहीं वो तो विपुल सर ले लेंगे ना फिंगरप्रिंट लेके, मैं तो मैं आश्चर्य की बात है कि वो असाइनमेंट दिए हैं उसे कंप्लीट करेंगे, मान लेते हैं कि विपुल सर फिंगरप्रिंट ले लेंगे,
मान लिया हमने, लेकिन ऑन द स्पॉट प्रिंसिपल ने अगर आपसे आग्रह किया कि मेरे फिंगरप्रिंट ले लो, उस वक्त आप कहोगे क्या कि विपुल सर ले लेंगे, विनीत सर ले लेंगे, टीम 360 ले लेगी? तो यही तो असाइनमेंट में सिखाया जाने वाला है कि ऑन द स्पॉट आप चीज़ ले सको, जवाब बन सके आपसे, उसके लिए असाइनमेंट की डेट जो है वो आपको एनके सर बताएंगे, उस हिसाब से आप कंप्लीट करो, मेल के ऊपर भेजो, कोई समस्या आती है तो पूछो, फिर आप मैदान में उतरो। आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आपने समझा होगा, आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात होगी नए मैसेज के साथ, थैंक यू। थैंक यू सर। इस मैसेज से मुझे भी एक चीज़ याद आई कि असाइनमेंट बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ से ट्रेनिंग लेकर चले जाने के बाद लोगों का ये कहना रहता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो क्लास हुई थी उसका रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिली। तो वो सारी चीज़ें जो मिलनी होती है वो तो आपको आपके लिए बनाई गई है, वो आपको देनी होती है। लेकिन अगर आप एक बात बताओ कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, सर मैथमेटिक्स के सवाल करवा रहे हैं, तो आपको कॉपी किताब लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, आप आओ पढ़ो और फिर चले जाओ वापस, फिर रोज आओ, फिर वैसे ही एग्जाम देने ही चले जाओ, तो आपको ज़रूरत नहीं है। नोटबुक इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं उनको आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया सुन लिया ख़त्म, सर ने बोल दिया सुन लिया ख़त्म, उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और यही चीज़ सर कहना चाह रहे हैं कि असाइनमेंट की ज़रूरत इसलिए, हालांकि काम इतना ऐसा भी नहीं है कि रॉकेट साइंस है, बहुत टफ है, इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो तो करनी ही है। अभी मैं कंपनी के पैटर्न सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सर का आज का क्या मैसेज है आई हुई सभी फ्रेंचाइजीज के लिए, और जितने भी फ्रेंचाइजीज हमारी जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या सर का मैसेज है? मैं डीडी शर्मा, पैटर्न टीम 360, चंद बातें आपसे कहने के लिए मुखातिब हूँ। सभी यूट्यूब पर दर्शक जो हैं वो वर्तमान फ्रेंचाइजी तथा जिन्होंने पहले फ्रेंचाइजी ले चुके हैं तथा जिन किसी की भी दिलचस्पी है कि भविष्य में कभी फ्रेंचाइजी लें, उनके मुतल्लिक चंद बातें कहनी चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आज जो फ्रेंचाइजी बिहार यूपी से आए हुए हैं, हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। 2 मिनट तक इन लोगों के लिए धन्यवाद शब्द छोटा पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं कि इनको मैं साधुवाद देता हूं कि इतनी इतनी दूर से ये आए, बिहार से, यूपी से आकर के इस कोरोना के पीरियड में, अभी कोरोना दूर नहीं हुआ है, कोरोना के पीरियड में भी इन्होंने इतनी हिम्मत करके और ये काम किया है। और जब यहाँ नहीं है अपने विचारों को भी एक्सप्रेस करते हैं तो लगता है कि इनमें कोई एक अंदर आग लगी हुई है, कोई ललक है जो कुछ ये देश को देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ अपने गंभीर बातें आज मैं करूंगा, जिससे क्या है कि इनको वाकई में रास्ता दिखाई दे, अपनी मंजिल स्पष्ट दिखाई दे कि किस तरह से हमें ये काम करना है। अभी बताया गया प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट, ये तो डिक्टम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो वो निखार आ जाएगा। अर्जुन ने प्रैक्टिस कर करके सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया था, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये तो बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन इसके साथ में कुछ एक 2-3 बातें और ज़रूरी है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। जो स्टीफन आर कोवी ने अपने देश की पूरी विहंगम दृष्टि से उन्होंने सर्वेक्षण किया कि भारतीय लोग कैसे हैं, और उन्होंने मेरे को एक बात बतलाई कि भारत में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, प्रैक्टिस करने वालों की कमी नहीं है, खूब प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस वाली बात जो है ना वो कम नहीं है, न ही इनमें इमोशन की कमी है कि इनके अंदर जो है किसी भी प्रकार के जोश जुनून की कमी नहीं है, बिल्कुल भूत की तरह लगते हैं और ये काम करते हैं। अपन अपने प्रधानमंत्री को देख ही रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तीसरी बात जो है ये नैतिकता पर भी चलते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो वहाँ पर नैतिकता रहें। और लेकिन एक और चीज़ ज़रूरी है, वो कहलाती है कि इनका जो माइंडसेट है वो वैसा नहीं है जैसे कि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों का है। ये अपना कोई विजन तय नहीं करते हैं और बिना विजन के क्या है काम करते हैं। तो जब कोई आदमी बिना विजन के काम करता है, जैसे मान लो किसी को बम्बई जाना हो और वो बम्बई की टिकट नहीं ले और वो यानी किसी और जगह ही टिकट ले ले तो बम्बई नहीं पहुँचेगा। तो अपने को एक
विजन तय करना होगा, और ये विजन के बारे में आपको कौन बतलाएगा, इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी बतलाता हूँ कि एक लड़का था, अच्छा खासा लड़का था, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो घर के अंदर लड़के की माँ थी, पिता थे, एक आध बहन भी थी, और थोड़े समय बाद, साल छः महीने बाद, वो जो दुल्हन थी वो गर्भवती हो गई। तो गर्भवती हो गई तो उसे कभी कुछ तकलीफ़ होती, कभी कुछ तकलीफ़ होती, कभी उल्टियाँ आती, कभी कुछ दर्द होता, तकलीफ़ होती, उठने बैठने में दिक्कत आती, कभी चक्कर आते। तो वो अपने पति से कहती कि मेरे को ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन ये जो सासू माँ है ये मेरे को किसी न किसी काम में लगाई रखती है। जब मैं कहती हूँ मेरा दर्द होती है तो ये कहती है बर्तन साफ़ कर ले, जब मैं कहती हूँ मुझे चक्कर आ रही है तो ये कहती है कपड़े धो ले, जब मैं कहती हूँ ये यानी और कोई दिक्कत है तो ये कहती है देखिए भारी लगा लो यानी सफाई कर लो मकान की। तो उसने अपने पति से दो तीन चार बार बात कहा, तो एक बार पति ने भी गौर अपना कॉग्निजेंस लिया और अपनी पत्नी की बात पे गौर किया और करके अपनी माँ से बोली कि माँ जब तेरे को मालूम है कि ये गर्भवती है, बच्चा होने वाला है, और जब इसके दर्द तकलीफ़ होती है तो तू जो है इसे आराम करने के लिए क्यों नहीं कहती, किसी न किसी काम में लगा देती है। तो माँ बोली कि बेटा तेरी बात ठीक है, लेकिन क्या है कि मैंने ऐसे तीन बच्चे तेरे जैसे तू और तेरे दो भाई पहले पैदा कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है, दर्द भी होएगा, चक्कर भी आएंगे और जो अनमना है, उल्टियाँ भी है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो सास जो है ऑलरेडी तीन बच्चे पैदा कर चुकी है, तो उसे इन सारी बातों से वो गुजरी हुई है, इसलिए वो उसे ठीक गाइड कर सकती है और जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है। तो लड़के की भी समझ में आ गई उठी। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, टीम 360 ने स्कूलों में जा जा करके और वहाँ पर चक्कर लगा लगा करके अनुभव किया है कि कैसे प्रिंसिपल से बात करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे, कैसे वहाँ पर जो है DMIT की जाएगी, कैसे मिड ब्रेन की क्लास, यानी एक एक बात को स्कूलों के अंदर जा जा करके किया है और 200-250 स्कूलों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में फ्रेंचाइजी देते, फ्रेंचाइजी देने के बाद में भी कोई भी फ्रेंचाइजी कहते हैं हमारे यहाँ आइए और ये स्कूल में मदद करिए तो जाती है, करती है। तो यानी लंबा अनुभव है, और लंबे अनुभव के अलावा गुणवत्तापूर्वक अनुभव है, सफल होने का अनुभव है। इसलिए क्या है, अब मैं इस जो बात कहना चाह रहा हूँ इस कहानी के जरिए, वो कि अनुभवी व्यक्ति से आप इस बात को सीखिए करना कैसे। तो हम लोग सफल क्यों हुए, स्टीफन क्यों कहता है कि विजन वाले सफल होते हैं, इसके तीन कारण। पहला तो है कि आपका अगर 5 साल का विजन क्लियर हो गया कि भाई मेरे को तो 5 साल से पहले इस DMIT मिडब्रेन से हटना ही नहीं है, मुझे करना है, मैंने अपना विजन डॉक्यूमेंट बना लिया। जब ये कभी किसी ने ये बिल्डिंग बनाई होगी ना तो सबसे पहले विचार किया होगा, फिर इसे एक नक्शा बनाया होगा, बिना नक्शे के इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी है, वो नक्शा आपको भी बनाना है। आप DMIT मिडब्रेन से 3 साल का या 5 साल का ये नक्शा बनाओ कि 5 साल में मैं कितने तो पैसे कमाना चाहता हूँ, प्रति महीने कितने कमाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कम से कम 5 लाख रुपए प्रति महीने कमाओ, ये 5 साल बाद में आपका उद्देश्य होना चाहिए। 50 लाख का उद्देश्य बनाते हो तो और अच्छा है, ये तो आपकी मर्जी है, जितना बना लो, क्योंकि आपके ब्रेन में इतना पोटेंशियल है, जो आप तय कर लोगे ना वही पूरा कर देगा, आपके ब्रेन में वो ताकत है। तो आप जो है इसको ऐसे, इसको आप विजन से भी एक बड़ा शब्द इस्तेमाल करो, मिशन, इसे मिशन के तौर पे लो और एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ कि मेरे को 5 सालों में इतनी स्कूलें कवर करनी है, इस साल इतनी करूँगा, अगले साल इतनी, और उल्टे चलो, 5वें साल मुझे 5 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, 4थे साल 4 लाख रुपये, 3रे साल जो है 3 लाख रुपए, दूसरे साल 1 लाख, पहली साल 1 लाख रुपए, यानी जाते ही इस साल आपको 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो टीम 360 गौरवान्वित नहीं होगी, क्योंकि जब गुरुओं के शिष्य होते हैं तो जो शिष्य गुरुओं से भी ज़्यादा बढ़िया काम करके दिखाए और लोग कहें गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया, टीम 360 को तभी खुशी होगी। इसलिए आप इस एक आयोजना पूर्वक अपना जो है विजन बनाइए, यानी प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ विजन बनाइए। और अगर नहीं आता तो मेरे पास बैठ जाइए, मैं आपको बनवा देता हूँ
कि एक विजन बनाइए और उस विजन डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो एक ब्लूप्रिंट बना लिया आपने, देखा होगा नक्शा जब इस मकान का बन गया तो कारीगरों को फिर क्या रहा, ईंट लगाई, भाटा लगाया, ईंट लगाई और बन गया अपने आप बन गई बिल्डिंग। तो बाद में तो आपका प्रैक्टिस का पार्ट बाद में शुरू होता है। अगर आपके पास में विजन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मिशन स्टेटमेंट नहीं होगा, तो कोई आपका बड़ा भाई आएगा और वो कह देगा क्या रखा है आपकी इस DMIT में, और आप हताश हो जाओगे। आप गए किसी प्रिंसिपल ने कह दिया क्या है, कुछ नहीं, तो आप हताश हो जाओगे। और जब आपको ये मालूम रहेगा 5 साल बाद ये DMIT मेरे को 5 लाख रुपए महीने की देगी, तो आप डट जाओगे कि नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपनी करूंगा, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, किसी से कंपटीशन की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है करता रहे, कौन DMIT करता है नहीं करता है, कैसी करता है, अपने को अपने काम का स्पष्ट दिशा देखनी चाहिए। जब टिकट लेकर के बंबई वाली गाड़ी में बैठ जाते हो तो फिर यानी इलाहाबाद को याद करते हो गया, फिर तो सीधे बंबई पर ही आपकी नज़र रहती है। तो ऐसे ही नज़र रखिए 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, और ये मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी फेल होता है तो इसी के कारण से, उसके पास कोई मिशन नहीं है, माइन्यूशिया है। किसी ने कह दिया अरे ये तो नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा, छोड़ देता हूँ, तू कोई और बता दे। किसी ने कह दिया यार हमने तो किया था, ये हिंदुस्तान है यहाँ नहीं चलता है। किसी ने कह दिया हमारा गाँव, तेरे को मालूम नहीं गया यहाँ बहुत फेल हो गए। मैं केकड़ी में मेरी एक बार पोस्टिंग हो गई तो किसी ने मेरे को कहा अरे साहब क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये केकड़ी है आपको मालूम नहीं है। तो मैंने कहा भाई क्या विशेषता है केकड़ी है, बोले साहब आपने कोई गिलास कांच का ले ओ और यहाँ केकड़ियाँ होती है, केकड़ा होता है ना वो, उसको केकड़ियाँ छोटी छोटी उनको डाल दो, कोई केकड़ी बाहर निकलना चाहेगी ना तो दूसरी केकड़ी उसको खींच के वापस ले आएगी, बाहर नहीं निकलने देगी। तो अगर कोई तरक्की करना चाहेगा Team 360 के साथ मिलकर के, तो आस पड़ोस के लोग आपकी टांग खींचेंगे, नहीं नहीं हमारी तरह तू रहे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन सब लोगों का मुकाबला कैसे करोगे, जब आपके पास में मिशन स्टेटमेंट होगा। मिशन स्टेटमेंट को ऐसे समझिए जैसे भारत का संविधान है। आज भारत का संविधान नहीं हो तो आप कल्पना कीजिए क्या हो, सरकार ही आतंकवादी हो जाए, सरकार ही मनमर्जी करने लग जाए, स्वेच्छाचारी हो जाए, लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर दें, काम ही नहीं करने, स्कूलों के अंदर मनमानी फीस लेनी चालू कर दें। ये संविधान है जो सबको रोके हुए है, नहीं क्या? तो ऐसा ही आपके जिंदगी का संविधान बना लो, उसे मैं मिशन स्टेटमेंट कहता हूँ। और जिसने वो मिशन स्टेटमेंट बना लिया उसके अनुसार फिर अपने सारे एक्शंस ले, वो सारे एक्शंस उसके अनुसार लेओगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, और आप 5 साल बाद में टीम 360 की तरह ही उन्नत हो जाओगे। अब मैं दो बात कहना चाहता हूँ, जब विजन की बात की है तो क्या टीम 360 के पास में कोई मिशन है, कोई स्टेटमेंट है? मैं बतलाना चाहता हूँ, हमारा विजन है, मिशन है। मिशन तो यह है कि हर हिंदुस्तानी के पास में हम इस DMIT को पहुंचाएंगे और मिड ब्रेन को पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि जो कोटा में हर सप्ताह आत्महत्याएं हो रही है इस स्टडी के प्रेशर के कारण से, वो रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। टीम 360 उस कार्य को करने के लिए लीडरशिप लेती है। दूसरी बात, जब जापान में 16,000 लोगों का सर्वे हुआ और उन्होंने बचपन में मिडब्रेन एक्टिवेशन किया था, सारे मल्टी मिलियनर हो गए, तो फिर अपन क्यों नहीं यहाँ मल्टी मिलियनर हर बच्चे को बनाने के लिए बीज डालें? आम का वृक्ष एक दिन में नहीं लगता। बूढ़ा व्यक्ति आम का वृक्ष लगा रहा था तो किसी ने कहा अरे अब तेरी उम्र रही है क्या, ये कब फल खाएगा तू आज में? तो उसने कहा जो बुजुर्गों ने आम के फल लगाए थे, यानी पेड़ लगाए थे, आज मैं उनके फल खा रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ लगा जाऊँ ताकि उनको जो है आम मिलते रहें। तो इसी तरह से आप ऐसे बीज बो दीजिए कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो बिना DMIT के अपने करियर को तय नहीं करे, और बिना मिड ब्रेन एक्टिवेशन किए हुए कोई बच्चा नहीं रहे। और हमने जो है ये तय कर रखा है कि 4 जुलाई को हम जो है दुबई में अपना ऑफिस खोलेंगे, ताकि ये जो इंडिया की फ्रेंचाइजियों का काम है वो अब आप लोगों के कंधों पर हम रखना चाहते हैं कि आप लोग इसको संभाल लो, कि आप अपने देश में जितना भी DMIT मिडब्रेन का प्रचार प्रसार करना है, काम करना है, और इससे जो कमाई करनी है वो आप करिए। हम जो है अब दुबई में 4 जुलाई से दुबई में ऑफिस खोलेंगे और 15 दिसंबर 2021 को न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलेंगे। हम जो है अब इसको विश्व स्तर पर कार्य करना चाहते हैं, विश्व स्तर पर एक
सोसाइटी है जिसे कि सीओ बोलते हैं, सीओ क्लब, दुबई में उसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका यानी 600 उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके 600 सदस्य हैं, बहुतेरे राजदूत अम्बेसडर्स उसके, कई राजा महाराजा विश्व के हैं, मिनिस्टर्स हैं वो उसके सदस्य हैं, उसकी भी हमने सदस्यता इसीलिए स्वीकार की है ताकि विश्व स्तर पर टीम 360 काम कर सके और आपको ये लगे कि हम किसी ऑर्डिनरी के साथ नहीं जुड़े हैं बल्कि एक वटवृक्ष है जिसकी पहचान जो है विश्व के शिखर तक है उसके साथ जुड़े हैं ताकि आपका आत्मबल भी बना रहे और आपको जब कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे से मार्गदर्शन भी ले सको, सपोर्ट भी दे सको। मैं आपको एक बार फिर ये बात कह दूं कि जहां फ्रेंचाइजी अपना पसीना बहाएगी वहां टीम 360 उनके लिए अपना खून बहा देगी और आगे से आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी, सपोर्ट करेगी। अभी हम 9 तारीख को यहां अपने करौली के पास एक जगह है, वहां पूरी की पूरी टीम जा रही है उस आदमी को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें हजारों लोगों की गैदरिंग कर रहा है और वहां पर जो है सेमिनार कर रहा है और उद्घाटन कर रहा है फ्रेंचाइजी अपना, तो हम वहां जा रहे हैं अभी 9 तारीख को। तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं अगर वो जाना चाहें वहां देखना चाहें तो करौली में, करौली हिंडौन कौन सी जगह, गंगापुर सिटी में हम अपना ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हजारों के लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो जिस किसी को इसकी सत्यता की परख करनी हो और इस बात की परख करनी हो कि टीम के लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं तो वो वहाँ आए देख ले, और हम जिस तरह से अभी आपको वीडियो के जरिए अपनी बात बता रहे हैं जब वो प्रोग्राम होएगा तो लाइव भी आपको बतलाएंगे और वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर भी डालेंगे ताकि आपको मालूम चल सके कि न केवल बातें करती है बल्कि ये वाकई में मदद करती है और हर घर घर में जा करके मदद करने का अभियान जो है टीम 360 ने चला रखा है। आप सब लोग हमारा साथ दें, लाभ उठाएं, हम आपको साथ देंगे, दोनों हाथ मिला करके चलें और सहकारिता को जिंदाबाद कहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, डीडी सर, क्योंकि कंपनी ने जो 10 साल पहले सपना देखा था वो दिख रहा है, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, विश्व भर में कंपनी की पहचान बनती जा रही है, ये बहुत खुशी का विषय है। अब जो चीज़ बताई जाती है कि मिशन विजन, जैसा कि कंपनी ने अगर 10 साल पहले जो सपना देखा वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उस मिशन विजन को अपने साथ रखें और कंपनी के साथ यूं ही आगे बढ़ते रहे। अब मैं इस प्रोग्राम के समापन की ओर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस प्रोग्राम को लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए जयपुर आना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ ही है, आप कॉन्टैक्ट करें और जल्द से जल्द अपना विचार बनाएं इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच।